हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। आज है मेरे साथ एक जर्मनी में बैचलर्स की स्टूडेंट और हम आए हैं इनके यूनिवर्सिटी THM। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या कर रही है, कब आई जर्मनी, और पूरा यूनिवर्सिटी का आपको टूर भी करवाते हैं। सो सबसे पहले आप बताओ, आपका नाम क्या है, कब जर्मनी आए, क्या पढ़ रहे हो? हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम मनीषा है और मैं जर्मनी 2019 में आई थी और मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की 2021 अप्रैल में। सो इट्स ऑलमोस्ट 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, एंड दिस इज़ माई हॉक्शुला टेक्निशियन हॉक्शुला मिटल हेसन, एंड मैं पढ़ रही हूँ बी इन्फॉर्मेटिक। अच्छा, और आप बैचलर्स कर रहे हो? एग्जैक्टली, मैं बैचलर्स कर रही हूँ जर्मन टॉट प्रोग्राम से। ठीक है, तो आपने बोला कि आप 19 में आए लेकिन यूनिवर्सिटी लेट शुरू हुई, उसका क्या रीज़न? सो जब मैं 2019 में आई तो हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है बैचलर स्टार्ट करने के लिए, ऑफ नामा प्रोफोंग करने के बाद हमें प्रिपरेटरी कोर्स करना होता है। उसके बाद वी हैव टू राइट एक और एग्ज़ाम, फेस्टालुंग प्रोफोंग FSP। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है या फिर हम एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट को लीग मैंने किया पहले मैं 2019 अगस्त में आई। तो 2019 अगस्त में जब मैंने ऑफ नामाज दिए तो मुझे इतनी अच्छी जर्मन नहीं थी मेरी, मैं सिर्फ B1 करके आई थी, एंड मतलब B1 क्लियर करके आई थी एंड B2 की नॉलेज लेके आई थी, बट स्टिल मेरा वो पास नहीं हुआ था ऑफ नामा प्रोफोंग। अच्छा। तो मैंने दोबारा वेट किया 1 सेमेस्टर, मीनवाइल मैंने अपनी C1 क्लासेस स्टार्ट की बर्लिन में, एंड फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने स्टूडेंट कोलीग की, एक साल स्टूडेंट कोलीग को, एंड 2021 में मैंने FSP प्रोफोंग का मेरा रिजल्ट आया। उसके बाद मैं एप्लीकेबल थी एडमिशन्स के लिए, तो अच्छा। मैंने अप्लाई किया हर अलग अलग जगह पे, यूनिवर्सिटीज़, हॉक्शुला, बट वो समर सेमेस्टर था तो अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो मुझे मिलधुला के सब कुछ ऑप्शन में THM बचा, एंड THM इज़ आई वुड से कि मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह थी, बट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेरे लिए। दैन अप्रैल 2021 में मैंने THM से स्टार्ट किया, एंड या नाउ 3rd सेमेस्टर। तो ये सही दिख रही है काफ़ी, यूनिवर्सिटी कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये मेन एंट्री यही थी क्या? Exactly, ये मेन एंट्री बोल सकते हो आप। ओके, और ये यहाँ एंटर किए हैं, यहाँ पे हर एक अलग अलग बिल्डिंग में हमारी अलग अलग क्लासेस होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। अच्छा, फॉर एग्जांपल A20 इसमें मेरी मैथ्स की एंड OOP की क्लास होती है, प्रोग्रामिंग। देन A12 आगे है, उसमें मेरी बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं। सो हर एक गिबॉर्डर में, हर एक बिल्डिंग में अलग अलग क्लासेस होती हैं। और बाकी जैसे जर्मनी में कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और तुमने जैसे हॉक्शुले को क्यों तुम बोल रही हो कि तुम्हारे कोर्स के लिए ये बेस्ट था? ओके, सो मेरा कोर्स बियो इन्फॉर्मेटिक है, तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थे इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अच्छा, एंड मैं बोलूँगी मैं पर्सनली भी प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करके सीखूँ इंस्टेड ऑफ लर्निंग। सो इसीलिए मैंने हॉक्शुला प्रेफर किया है। यूनिवर्सिटी की अलग अप्रोच होती है, दे प्रेफर मोर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड देन दे गो फॉर प्रैक्टिकल्स। एंड हॉक्शुला में ऐसा होता है कि आपको हॉक्शुला में आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड इट इज़ कंपल्सरी टू डू इंटर्नशिप इन हॉक्शुलास। सो ऐसा होता है, टू डिफरेंट अप्रोचेज, एंड मुझे प्रेफर लगता है कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद थ्योरेटिकल करूँ, तो 50-50 बैलेंस चलता है। और बाकी सबको ये भी बताओ कि ये वाला कैंपस कहाँ पे है? ओके, सो THM एक्चुअली इसके 3 डिफरेंट कैंपसेज हैं, फ्रिडबर्ग में, गीसन में और वेक्सलर में। एंड मैं गीसन में पढ़ रही हूँ, सो मैं गीसन में ही मेरा कैंपस है और मैं गीसन में ही रहती हूँ, सो कंफर्टेबल है थोड़ा। और हमारे कैंपस के अंदर मोस्टली जो भी टेक्निकल फील्ड होती हैं वैसे कोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का बायोइन्फॉर्मेटिक, देन इन्फॉर्मेटिक भी है, मेडिसिन टेक्निक, एंड मतलब जो भी चीज़ें इन चीज़ से रिलेटेड है वो सब हमारे कैंपस में, और बाकी अदर्स का बाकी सब दूसरे कैंपसेस में। अच्छा, और तुमने मेंशन किया कि जैसे तुम्हारा कोर्स बैचलर्स जो है वो जर्मन में है, बट क्या यहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज भी हैं कि सारे जर्मन में ही हैं? नहीं, यहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज भी हैं। अच्छा, जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे, बट मुझे एग्जैक्टली उनके बारे में पता नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी अच्छा। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स पढ़ रही हैं। अच्छा, तो गाइस आप बाकी देख सकते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि और इंग्लिश में भी यहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं क्या। तो ये पीछे काफ़ी सही बिल्डिंग दिख रही है, हम जा सकते हैं इसमें अंदर अभी क्लासरूम्स वगैरह देखने? अनफॉर्चुनेटली आज सैटरडे है तो हम नहीं जा सकते। अच्छा, बट नॉर्मली भी नहीं जा सकते बिकॉज एज यू नो जर्मनी डाटेनशुट्स, सो वो अलाउड नहीं होता क्लासेस के अंदर अगर कोई नहीं पढ़ रहा उसको जाना। अच्छा। बट हम अगर खुला होता तो हम मेंसा जा सकते थे, ये नीचे जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर पे, दैट इज मेंसा,
कैंटीन एग्जैक्टली हमारी मेंस जब आप बैचलर्स जर्मन में करते हो तो आपके मुंह से फिर बस जर्मन ही निकलती है गाइस. आई विल अग्री टू दिस. तो हमारी मेंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं हमेशा वेगन मील खाती हूँ एंड अलग अलग चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं. नॉन वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शंस है बट हमारे लिए भी सैलड्स, पास्ता, नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं एंड ऑफकोर्स ड्रिंक्स भी. अच्छा, और क्या कॉस्ट पड़ती है एक मील की? सो जो मैंने लास्ट टाइम खाया था मुझे उसके अच्छे से याद है. तो फ्रेंच फ्राइज फॉर 1 यूरोस. अच्छा. एंड आई हैड रियली गुड प्लेट ऑफ पास्ता. एग्जैक्टली, रियली गुड. इट वॉज यहाँ पे एक्चुअली खाना अगर लो तो काफी ज्यादा देते हैं. आई थिंक मे बी ये लोग ज्यादा खाते होंगे या क्या कॉन्सेप्ट रहता है बट लाइक मुझसे तो खत्म ही नहीं हो पाती. हाँ, मुझसे भी नहीं हुआ था. हम जैसे यूजुअली हाँ एक प्लेट लेते हैं बट वो शेयर हो जाती है. हाँ. तो वो भी काफी सही है कि पोर्शन यहाँ पे बहुत अच्छे ही आते हैं हमेशा. एग्जैक्टली, बट यहाँ पे राजमा चावल, छोले चावल, ये सब कुछ भी मिलता है. ऑफ कोर्स नॉट इंडियन स्टाइल. हाँ, बट उनकी क्या कॉस्ट रहती है? उनकी कॉस्ट भी सेम 1-1.5 यूरोस टू 2 यूरोस. वेरी डिसेंट फॉर अ स्टूडेंट. आप चाहो तो काफी बारी खा सकते हो महीने में और डेजर्ट भी मिलते हैं. तो ये चीज़ बताओ, सबसे मतलब जर्मनी फेमस है इस चीज़ के लिए कि सॉर्ट ऑफ फ्री है यहाँ पे एजुकेशन. तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और अभी जैसे आप कितना यहाँ पे कर रहे हो? तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना सेमेस्टर फीस पे करती हूँ विच इज़ 283 यूरोस अभी पर सेमेस्टर. एग्जैक्टली. और उसके अंदर क्या होता है, आपको एक सेमेस्टर की टिकट मिलती है जिससे आप पूरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हो. सो मैं अभी हेसन में हूँ. लाइक मैंने गीसन में बोला, गीसन इज़ एक्चुअली इन द स्टेट हेसन. तो मैं पूरा हेसन ट्रैवल कर सकती हूँ. तो वो बहुत अफोर्डेबल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. एंड उसी सेमेस्टर टिकट से द स्टूडेंट हाउस वाइज द स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसी से हम बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में. जैसे यूनिवर्सिटी का जो जिम होता है उसके अंदर जा सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें. लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप हमेशा अपना यूनिवर्सिटी का हाउस वाइज अपने साथ रखो. सो इट्स मस्ट. और स्टूडेंट को जैसे बाहर भी अगर कहीं जाते हो म्यूजियम वगैरह देखने या कुछ भी कहीं पे भी जहाँ एंट्री टिकट है वहाँ भी डिस्काउंट आई एम श्योर मिल जाते होंगे. हाँ, बहुत सारी जगह. हाँ जी हाँ जी, वो पूरे यूरोप में मिलते हैं. हाँ. मैं पेरिस गई थी तब भी मुझे डिस्काउंट मिला था उसके साथ, और बुडापेस्ट और प्राग में भी. तो आप सिर्फ अपना कार्ड दिखाओ और आपको वो VIP वाला फील आ जाता है कि आपको मोर देन 50% डिस्काउंट हो जाता है. तो बेसिकली तुम एक साल के अगर बात करें 280 दो बार दे रही हो विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50,000 ना, 600 यूरो, 50,000 हो गया मोटा मोटा इंडिया का. हाँ. उसमें तुमको पूरी तुम्हारी साल की पढ़ाई हो रही है, ट्रांसपोर्ट टिकट तुम्हें फ्री मिला हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की मतलब जो फैसिलिटीज हैं वो फ्री मिली हुई है और साथ में बहुत सारी जगह डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं. एग्जैक्टली. सो वही है आई थिंक ना जर्मनी में कि ऑलमोस्ट फ्री है. तो दैट्स वेरी नाइस. और बाकी यहाँ पे पढ़ने का एक्सपीरियंस को अगर मैं पूछूंगी कैसा है तो उसको तुम कैसे बताओगी? ओके, तो पढ़ने का एक्सपीरियंस ऐसे है कि पहले तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो हम मैं आई वुड से इतना एंजॉय नहीं होता था. लेकिन हाँ. अब लास्ट सेमेस्टर से हमारी प्रेजेंस लाइक प्रेजेंट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं एंड उसके अंदर हम प्रैक्टिकल्स के लिए भी जाते हैं एंड बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. तो वो बहुत जो कि बहुत सारी नेशनैलिटी. एग्जैक्टली. सो मैं बताती हूँ, मेरी कोर्स में सिर्फ एक मैं इंडियन हूँ और एक और लड़का है, उसके बाद और कोई नहीं है. अच्छा. मेरी पूरी क्लास में और मेरी जितने भी दूसरे फ्रेंड्स हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज. तो उससे क्या होता है, हम सब मिलके रहते हैं तो एक अच्छा सा माहौल बना रहता है. और मेरी यूनिवर्सिटी में वैसे हर यूनिवर्सिटी में होता है बट बडी प्रोग्राम है. उस बडी प्रोग्राम में क्या होता है, आप एनरोल करते हो उसके अंदर एंड आपको यूनिवर्सिटी के कहीं से भी, 3 कैंपसेज जो मैंने आपको बताए, कहीं से भी यू विल गेट 1 पर्सन. दे विल असाइन यू अ फ्रेंड. ओके, देन आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो. जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, जो मेरा बडी था वो 3rd सेमेस्टर का था. फिर जब मैं 2nd सेमेस्टर में आई मैंने दोबारा एनरोल किया बडी प्रोग्राम के लिए. तो फिर से अब मेरा बडी 1st सेमेस्टर से थी, अब मैं उसको हेल्प कर रही थी. wow. पहले कोई और मेरे को हेल्प कर रहा था. तो उससे क्या होता है, हम अलग अलग कनेक्टेड रहते हैं. हाँ. और हमें एक दोस्त मिल जाता है हैंग आउट करने के लिए. और एक मैंने काफ़ी सही चीज़ सुन रखी है कि जर्मनी में जैसे इतना प्रेशर नहीं है ऑफ कोर्स, है ना, मग्गू बनने का या फिर रट्टा मारने का चीज़ों का. ओपन बुक एग्जाम्स भी मैंने सुन रखे हैं. तो यहाँ पे बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? और एक चीज़ ये भी मैंने सुन रखी है कि ब्रेक भी ले सकते हो यहाँ पे ना, सेमेस्टर ब्रेक ले लो. तो काफ़ी ईजी है आई थिंक ये सारी चीज़ें. तो उसका तुम बताओ डिटेल में थोड़ा. और
तो क्या होता है यहाँ पे, अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल आपने एक सब्जेक्ट कर लिया, पढ़ लिया, बट आप श्योर नहीं हो कि आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते. एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट पढ़ लिया वो अलग चीज़ है, एग्ज़ाम लिखना या नहीं लिखना वो आप पे डिपेंड करता है. अगर यू आर प्रिपेयर्ड तो आप एग्ज़ाम लिख दो, एनुअल डूंग कर दो एग्ज़ाम के, रजिस्ट्रेशन देन एग्ज़ाम दो. अगर आपको नहीं लिखना तो अगले सेमेस्टर में जब आप श्योर हो गए हो तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो. अच्छा, कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंस एग्ज़ाम होते हैं, सॉरी कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, बट हमारे हॉस्टल में हमेशा से प्रेजेंस हुए हैं जो मैंने दिए हैं. अच्छा, एंड उससे क्या होता है आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं फील होता. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपकी तैयारी है तो एक सेमेस्टर अगर पढ़ना भी नहीं है बीच में, कुछ अगर मतलब हो गया कुछ भी पर्सनल रीज़न, या इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क इंटर्नशिप करनी है तो वो भी वहाँ पे भी आप ब्रेक ले सकते हो, राइट? फ्राई सेमेस्टर ले सकते हो और वो बहुत कंफर्टेबली आपको मिल जाता है. अगर आप अपने हॉस्टलों को मेल लिखो वो आपको प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि हर एक हॉस्टलों का अलग होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का, एंड फिर आप फ्राई सेमेस्टर ले सकते हो कम्फर्टेबली. और एग्जाम्स वगैरह कैसे होते हैं, मतलब क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, क्या सिर्फ किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ओपन बुक होता है नहीं होता है, वो सब कुछ ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है. कुछ ओपन बुक होते हैं, एंड अगर आपने तैयारी की है, सिंपल सी बात है, तैयारी की है तो आसान है, नहीं की तो नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पे वो चीज़ नहीं है इंडिया की तरह कि हम दो दिन पहले पढ़ेंगे और एग्ज़ाम हो जाएगा. आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. मोर ओवर मेरी, क्योंकि मेरी एजुकेशन ही जर्मन में है, तो मुझे रोज़ पढ़ाई, रोज़ नहीं तो एटलीस्ट दो दिन में एक बार तो करनी ही करनी पड़ेगी, वरना तीसरा दिन मुझे कुछ नहीं समझ आएगा. तो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली हो. मनीषा ने काफ़ी अच्छे से बताया कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती है, आपको देखने को भी मिली, और सेकेंडली यहाँ की जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कैसी है उसके बारे में भी आपको और इनसाइट्स मिली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो से थैंक्स टू मनीषा. और बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. और भी वीडियोज़ हैं मनीषा के, तो वो भी आप देखते रहो चैनल पे. और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.